हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम एमपी जीके का स्पेशल पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम टॉप लेवल के एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यहाँ पे सबसे जो कठिन प्रश्न है वो डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन आईएमपी, इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिए और हो सकता है तो आप इनको अभी से रट लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी एग्जाम में 110% पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। और यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके लिए, आपको इसका राइट आंसर बताना है। मध्य प्रदेश में जो ऐशबाग स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। और वीडियो देखते रहिए, वीडियो के बीच में आपको इसका राइट आंसर जो है बता दिया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। हो सकता है कौन से पार्ट में आपको इसका राइट आंसर आपको मिल जाए, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको बता देते हैं, MPPSC 2016 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी IMP भी हो जाता है। आपको बता देते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, साथ में पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जैसे ही जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिले। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, महाभारत में कौन सी नदी को जो कि चारमान्यवती के नाम से उल्लेखित है। ये देखिए, इसको चर्मवती के नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम है आपका चंबल नदी। क्या नाम है? चंबल नदी जो है, इसको चारमान्यवती यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे आपका चर्मवती के नाम पे भी इसको जाना जाता था। तो दोनों आप याद रखिएगा, दोनों आपके एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। बात करें यहाँ पे, देखिए इसकी चंबल नदी की, तो इसको चर्मवती के नाम से जाना जाता है, ऐसा तो पता चली गए। और ये आपका पूछा जाता है कि ये जो नदी कहाँ से निकलती है, तो ये जो नदी निकलती है वो जाना पाऊ पहाड़ी महू से निकलती है, ये आप याद रखिएगा। और अगर बात की जाए तो ये इंदौर के अंतर्गत भी आती है, क्योंकि महू जो आता है इंदौर के अंतर्गत ही आता है, तो इसलिए इंदौर कहीं ना कहीं देखने को अगर आपको मिले तो उसका राइट आंसर आप वो भी क्लिक कर सकते हैं, अगर आपको महू नहीं देखने को मिले तो। उसके साथ में बात करें ताप्ती नदी की, तो ताप्ती जो निकलती है मुल्ताई जिला बैतूल से निकलती है, बैतूल जिले से ये निकलती है, मुल्ताई नामक स्थान से, तो इसका आप याद रखिएगा। और इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो मुल्ताई जो शहर है आपका, ये इसी के किनारे बसा हुआ है, ये बहुत बार पूछा जाता है। अगर बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी की जो आपकी निकलती है वो अमरकंटक से निकलती है, जिले अनूपपुर से, और यहाँ पे ये जो है आपकी जबलपुर और नरसिंहपुर महेश्वर, ऐसे जो आपके होशंगाबाद हो गया और ये जो प्रमुख हंडिया हो गया, ये जो प्रमुख शहर है ये इसके किनारे बसे हुए हैं। और अगर बात की जाए छिपरा नदी की, तो ये आपकी जो निकलती है उज्जैन आपका इसके जो कि किनारे बसा हुआ शहर है। और छिपरा नदी जो निकलती है वो इंदौर की काकरी बल्डी से निकलती है। चीज़ें क्लियर है, याद भी रखना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पवन ऊर्जा क्षमता के प्रतिशत उपयोग के अनुसार सभी भारतीय राज्यों में से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। और 31 मार्च 2016 तक ये स्थान आपसे पूछा गया है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2017 के एग्जाम में आपका पूछा गया था, इसलिए हमने ऐसे ही इसको ले लिया है। और यहाँ पर इसका जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो स्थान है इसका तीसरा स्थान है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का इसमें है 31 मार्च 2016 तक अगर बात करें तो, पवन ऊर्जा क्षमता के प्रतिशत उपयोग के अनुसार। तो ये आप सभी को याद रखना है, सभी भारतीय राज्यों में तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। फ्रेंड्स, आपको बताते हैं MPSI MP कॉन्स्टेबल और MP की कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करें तो आप परीक्षा को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखिए। उस पर अभी 25% का पूरा डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप हमारे कूपन कोड ROIJGOV25 को यूज करके पूरे 25% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, अधिक जानकारी के लिए लिंक चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आदि शंकराचार्य की गुफा कहाँ स्थित है। और ये इनकी जो गुफा है वो है आपकी ओमकारेश्वर में स्थित है, यानी आदि शंकराचार्य जो थे उनकी गुफा कहाँ पर है, ओमकारेश्वर में इनकी गुफा स्थित है। क्लियर है चीज़ें। और अगर हम बात करें ओमकारेश्वर, तो देखिए ओमकारेश्वर आपका ज्योतिर्लिंग है, मध्य प्रदेश में टोटल दो ज्योतिर्लिंग है, पहला आपका आता है उज्जैन जो कि महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है, दूसरा आता है आपका ओमकारेश्वर। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में भी जो रिपीट होता रहता है। और अगर महेश्वर की अगर हम बात करें, देखिए देवी अहिल्याबाई जो थी यहीं से थी आपकी महेश्वर से, तो महेश्वर इसलिए ही आपका ये हो जाता है, मोस्ट टाइम पर कई बार पूछा भी जाता है। ओरछा की बात करें, देखिए ओरछा जो है आपका टीकमगढ़ के अंतर्गत आता था, बट अब ये जो आता है निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है, आप सभी को पता ही है ओरछा के बारे में। और अगर हम बात करें धार की, तो धार जो आता है ये आपका, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर आपका सरदारपुर जो आपका अभ्यारण्य है सरदारपुर, ये धार के अंतर्गत आता है। और आपका जो करेरा जो अभ्यारण्य है ये आपका शिवपुरी के अंतर्गत आता है, ये आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। धार में आपका सरस्वती मंदिर है जैसा कि आपको पता ही है। और यहाँ पे जो है धार में एक चीज़ और आपको बता देते हैं,
देखिए धार में जो है राजा भोज जो है इनकी राजधानी थी ये, और इन्होंने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है टीकमगढ़ के जो कि रेगिस्तान में जीआई टैग होता है, तो टीकमगढ़ के किस चीज़ में जीआई टैग होता है? तो टीकमगढ़ के जो आपकी बेल मेटल्स वेयर से है, जो आपकी वायर्स हैं यानी बेल जो धातु सामग्री है आपकी, बेल धातु सामग्री इनमें जो है ये आपकी जीआई टैग इनको मिला है टीकमगढ़ से। तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि टीकमगढ़ से किस चीज़ को जीआई टैग जो कि दिया गया है फिर मिला हुआ है, तो बेल धातु सामग्री को यहाँ पर जीआई टैग दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेल धातु सामग्री। और जीआई टैग होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो आपका एक निश्चित स्थान और वस्तु के लिए ये दिया जाता है। तो ये आप जरूर से याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है बुंदेलखंड का अलहेत समुदाय अल्लाह अलाउद्दल और उनके द्वारा लड़े गए कितने युद्धों के बारे में गाता है? तो ये जो युद्ध है कितने युद्धों के बारे में गाता है बुंदेलखंड का अलहेत समुदाय अलाउद्दल और उनके द्वारा कितने युद्ध लड़े गए, तो ये आपको बताना है। और इनके द्वारा जो टोटल 52 युद्ध जो लड़े गए थे यानी 52 युद्ध जो लड़े गए थे उनके बारे में ये आपका अलहेत जो समुदाय ये गाता है। तो बुंदेलखंड का है ये आपका अलहेत समुदाय और ये इनके बारे में गाता है अलाउद्दल जो है इनके बारे में। तो 52 युद्ध लड़े गए थे, याद रखिएगा ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उस्ताद आमिर खां कहाँ के निवासी थे? देखिए उस्ताद आमिर खां थे वो आपके इंदौर के निवासी थे, इंदौर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और इन्होंने जो है इंदौर जो घराना है इसकी स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो इंदौर घराने की जो स्थापना अगर पूछा जाए तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, उस्ताद आमिर खान ने की थी। और अगर बात की जाए इंदौर के बारे में थोड़ी सी और, तो देखिए इंदौर में आपका लाल बाग पैलेस आपका इंदौर में है, उसके बाद में आपका राजवाड़ा जो महल है वो आपका इंदौर में है। और अगर हम बात करें खान नदी और सरस्वती नदी तो ये भी इंदौर में, जानापाव पहाड़ी महू से चंबल नदी निकलती है। और अगर बात करें काकरीबल्ली इंदौर से तो छिपरा नदी निकलती है, और भी नदियाँ यहाँ से बहुत सारी निकलती हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें आमिर खान जो है इंदौर से, जैसा कि आपको पता चल ही चुका है, और इंदौर से और कौन है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बात की जाए ग्वालियर के, तो ग्वालियर के किलों का जो है आपका किलों का रत्न इसको बोला जाता है, जिब्राल्टर बोला जाता है जो कि, और यहाँ पर अगर ग्वालियर में जो कि मोहम्मद गोज का मकबरा भी यहीं पर है, तानसेन का मकबरा भी यहीं पर है, और रानी लक्ष्मीबाई का जो मकबरा है वो भी यहीं पर है। तो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन के जो संस्थापक थे वो थे अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ये जो है न्याय दर्शन के संस्थापक थे, डायरेक्टली रिलेट करके याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामांकित किए जाने वाले एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? और यहाँ पर अगर बात की जाए एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्यों की अधिकतम संख्या की, तो इनकी जो संख्या है वो है 2, यानी आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, 2, 2 संख्या यहाँ पर इनकी है एंग्लो इंडियन की, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 2। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आप सभी को पता है ये नर्मदा नदी पर है आपका कपिलधारा जलप्रपात। और भी जलप्रपात है यहाँ पे, मंदाता जलप्रपात है आपका, दर्दी जलप्रपात आपका यहाँ पे है, धुआधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात और बहुत सारे जलप्रपात नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। और यहाँ पे नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से निकलती है, टोटल लेंथ की अगर बात करें तो 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो 1077 इसकी टोटल लेंथ है मध्य प्रदेश में, क्लियर है चीज़ें। और यहाँ पे बहुत सारे शहर भी इसके किनारे बसे हुए हैं जिनका आपको हम पहले बता चुके हैं। ताप्ती नदी की बात करें तो मुल्ताई जिला बैतूल से निकलती है, ये आप पता ही है आपको। सोन नदी भी आपकी आपके अमरकंटक से निकलती है, और छिपरा नदी आपको बता चुके हैं कहाँ से निकलती है, आपकी काकरीबल्डी इंदौर से निकलती है। चीज़ें आई होप कि आप सभी को क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? अभी ग्वालियर में क्या है आपको ये बता चुके हैं हम, आप क्लिक कर लीजिए जल्दी से, अभी हमने आपको बताया कुछ टाइम पहले, जल्दी क्लिक कीजिएगा आप, क्या राइट आंसर इसका कर रहेगा, गेस कीजिएगा जल्दी से। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि जो ग्वालियर में स्थित है वो है आपका मोहम्मद गोस का मकबरा। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, मोहम्मद गोस का जो मकबरा है ग्वालियर में है। इसके साथ में हमने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि तानसेन का जो मकबरा है यानी समाधि है ये भी आपकी ग्वालियर में ही है, रानी लक्ष्मीबाई की भी आपकी ग्वालियर में ही है। तो ग्वालियर से इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, कई बार भी आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। रामलीला का जो मेला लगता है वो ग्वालियर में ही आपका लगता है, याद रखिएगा, हमने इसके पहले भी इनको डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो आपके मेले वाला जो वीडियो लाया था उसमें पूरे हम डिस्कस कर चुके हैं जितने भी मेले मध्य प्रदेश में आयोजित होते हैं, उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए आप जाकर। और मेरे लिए मेले से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं।
अगर बात करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, तो ये आपका कहाँ पर है? भोपाल में है। और ये इस बार जो MPPSC की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत पठार क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाह नहीं है, यानी कौन सी जो नदी है प्रवाह नहीं होती मध्य भारत पठार क्षेत्र से? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा जामनेर नदी। जामनेर जो नदी है ये मध्य भारत पठार क्षेत्र से प्रभावित नहीं, ये जो नदी है प्रभावित नहीं होती है। क्लियर है? चंबल नदी की बात करें तो इसके बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे चुके हैं। और यहाँ पर अगर काली सिंध नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? ये आपकी निकलती है देवास के बागली से। ओके, बागली से निकलती है, बागली गांव से निकलती है देवास के। और पार्वती जो नदी निकलती है ये कहाँ से निकलती है? पार्वती जो नदी निकलती है ये आपकी सीहोर से निकलती है, सीहोर से निकलती है पार्वती नदी। तो इसको भी आप याद रखिएगा, कई बार रिपीट भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा दक्षिणी का द्वार नाम से जाना जाता है? इन दक्षिण का द्वार जो जाना जाता है, किस जिले को जाना जाता है? और ये जो जिला है वो जिला है आपका बुरहानपुर। बुरहानपुर जो जिला है मध्य प्रदेश का, इसको दक्षिण के द्वार के नाम से जाना जाता है। और बुरहानपुर में ही आपका असीरगढ़ का जो किला है ये आपका बुरहानपुर में ही है। असीरगढ़ का जो किला है इसको बात की जाए किसने बनवाया था, जिसको बनवाया था अहिर राजा था आपका, आशा अहिर नाम का एक राजा, उसने इसको बनवाया था। टीकमगढ़ आप सभी को पता ही है अभी चर्चा में है, क्योंकि इससे निवाड़ी को अलग किया गया है। 1 अक्टूबर 2018 को इसको अलग किया गया है, तो याद रखिएगा, कई बार पूछे जाते हैं। ओरछा जो प्रमुख शहर है इसके अंतर्गत आता है, निवाड़ी के अंतर्गत अब आता है। ओके, याद रखिएगा। और बालकृष्ण शर्मा नवीन जो आपका समारोह आयोजित होता है शाजापुर में होता है, तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जो समारोह आयोजित होता है वो आपका खंडवा में होता है। क्लियर है चीज़ें? कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और अधिकांश जो कि स्टूडेंट है उनमें यही डाउट बना रहता है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी है वो आपका होशंगाबाद में आयोजित होता है या फिर खंडवा में होता है। तो आपको बता देते हैं, ये जो आपका माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जो आयोजित होता है वो खंडवा में होता है। आप चेक कर लीजिएगा एक बार और, क्योंकि हमने बहुत जो है इसको रिसर्च किया है, इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसको ध्यान दिया है, क्योंकि आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट इसमें मिले थे, इसलिए हमने पूरी सर्च किया है, बहुत सारा यहाँ पे डेटा इकट्ठा किया है। उसके बाद में हमें यहाँ पे पता चला कि ये जो है खंडवा में आयोजित होता है, तो इसको आप करेक्टली कर लीजिएगा थोड़ा सा। खंडवा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा स्थापित किया गया था? और यहाँ पर अगर बात करें 86-87 की, तो इसमें जो स्थापित किया गया था कबीर पुरस्कार आपका स्थापित किया गया था। क्लियर है चीज़ें? कबीर पुरस्कार इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका आता है, उससे पहले आपको बता देते हैं कि तानसेन जो पुरस्कार है वो आपका जो स्थापित हुआ है कब हुआ है? ये हुआ है आपका 1980 में। 1980 इसका करेक्ट आंसर है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहारी लाल जो सतसई लिखने के लिए प्रसिद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका ग्वालियर में। बिहारी जो थे इनका जो जन्म हुआ था, सतसई लिखते थे और इनका जन्म आपका ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर यहाँ से आपका करेक्ट आंसर भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने टाट्या टोपे को कहाँ मारा था? और टाट्या टोपे को मारा था इन्होंने शिवपुरी में, शिवपुरी में इन्होंने मारा था। तो शिवपुरी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। और यहाँ पे इन्होंने फांसी दी थी इनको, टाट्या टोपे को, शिवपुरी में। तो शिवपुरी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। और देखिए, अगर बात करें हम शिवपुर में क्या है आपका एक अभ्यारण्य आपका कूनोपालपुर, कूनोपालपुर अभ्यारण्य आपका जो कि आपका कहाँ पर आता है? शिवपुर में आता है। तो शिवपुर इसे आप याद रखिएगा, कई बार सीधी सीधी आपकी क्वेश्चन बनते हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से अलीराजपुर बनाया गया था? यानी अलीराजपुर जो बनाया गया था किस जिले से अलग करके बनाया गया था? इसको अलग कर रहा था झाबुआ से, झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर को बनाया गया था। और अलीराजपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका जो झाबुआ के अलीराजपुर में जो आता है वो आपका भाभरा गाँव आता है। और भाभरा गाँव किस लिए प्रसिद्ध है? ये चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म स्थान, इसलिए ये फेमस है। और इसका नाम अब चेंज करके चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है। ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं हम, एक चलिए क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अलीराजपुर और झाबुआ। जो कट्टीवाड़ा जो आपका अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये आपका अलीराजपुर में है, झाबुआ में। जल्दी से इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए उमरिया के बारे में अगर हम थोड़ी सी डिटेल आपको दें तो बताए कि बांधवगढ़ जो आपका अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है आपका उमरिया में है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बाघों की सर्वाधिक घनत्व यहाँ पर देखने को आपको मिलता है, इसलिए ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है। और बुरहानपुर से रिलेटेड अगर बात करें तो बुरहानपुर में जो है आपका नेपा नगर, नेपा जो मिल है आपकी पेपर मिल, ये आपकी करेंसी नोट प्रेस है, करेंसी नोट प्रेस है, पेपर मिल है ये आपकी अखबार, सॉरी न्यूज प्रिंट पेपर मिल है,
इसको करेक्ट कर लीजिएगा, करेंसी नहीं है। न्यूज प्रिंट पेपर मिले आपकी नेपा नगर बुरहानपुर में, तो इसको भी आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। और असीरगढ़ का किला जो है फेमस है, कई बार पूछा जाता है। विदिशा की अगर हम बात करें तो विदिशा जो है इसको यहाँ पे पहले किस नाम से जाना जाता था, भेलसा के नाम से इसको जाना जाता था, वो बेसनगर और यहाँ पे ग्यारसपुर जो आता है इसी के अंतर्गत आता है, विदिशा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपका, कालूजी महाराज का मेला कौन से क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, यानी कालूजी महाराज का जो मेला आयोजित होता है कौन से क्षेत्र में होता है, ये होता है आपका पश्चिमी निमाड़ में। किस में होता है, पश्चिम निमाड़ में ही आपका आयोजित होता है। यहाँ पर आपका पश्चिमी यानी वेस्ट निमाड़ करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो कालूजी महाराज जरूर से याद रखिएगा, हमने आपको बताया था कि मेले से रिलेटेड और भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, तो कर लिया है। उस वीडियो को आप जरूर से जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे आई बटन पे दे देंगे, डायरेक्टली आपको वो वीडियो मिल जाएगा। किस वर्ष में गुंदेचा बंधु को पद्मश्री जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इनको जो सम्मानित किया गया था 2012 में सम्मानित किया गया था, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। श्री सिंगाजी ताप बिजली संयंत्र परियोजना किस जिले में स्थित है, ये जो जिला है वो कौन सा जिला है, इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका खंडवा। बिल्कुल खंडवा इसका करेक्ट आंसर रहेगा, श्री सिंगाजी ताप बिजली संयंत्र परियोजना जो है यहाँ पे, ये आपका खंडवा में स्थित है। देखिए खंडवा आपका इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर इसलिए चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ पर आपके जो किशोर कुमार है, किशोर कुमार इनका जो जन्म हुआ है कहाँ पर हुआ है, खंडवा में इनका जन्म हुआ था, और उसके साथ में इनके जो भाई थे अशोक कुमार उनका भी जन्म यहीं पर हुआ था, और कुछ टाइम बाद ये रहने के लिए इंदौर में आ गए थे, तो इसलिए इनको याद रखिएगा इनका जन्म स्थान क्या है, खंडवा ही है। और खंडवा में आपका माखनलाल समारोह, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह भी आयोजित किया जाता है, तो इसलिए खंडवा को आप याद रखिएगा। अगर रीवा की बात करें, रीवा को जो है, रीवा में आपका महामृत्युंजय का जो मेला लगता है वो रीवा में लगता है, उसके बाद में रीवा को जो है सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना ने वस्तुकला आर्किटेक्चर के लिए आगा का पुरस्कार नहीं जीता है, और देखिए अगर बात करें अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर के, तो इसने भी आपका जीता है आगा का पुरस्कार। विधान भवन भोपाल ने भी आपका आगा का जो पुरस्कार ये जीता है, और आपका स्लम नेटवर्किंग इंदौर की अगर बात करें तो इसने भी आपका जो है आगा का पुरस्कार जीता है, बट वल्लभ भवन जो भोपाल है इसने आपका आगा का पुरस्कार नहीं जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंडित उद्धव दास मेहता विद्याशास्त्री आयुर्विज्ञान सेवा सम्मान 2020 निम्न स्थान पर प्रदान किया गया था, और ये जो स्थान प्रदान किया गया था, पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्विज्ञान कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज भोपाल में प्रदान किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। श्री महाकालेश्वर मंदिर किस शहर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है, तो कौन सा शहर है, आपका उज्जैन शहर है, महाकालेश्वर की बात की जाए, और ओमकारेश्वर की अगर बात की जाए तो ये आपका हो जाता ओमकारेश्वर, और यहाँ पर अगर बात की जाए महाकालेश्वर की तो ये आपका उज्जैन हो जाता है। तो उज्जैन के जो शहर है इसके दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है आपका महाकालेश्वर का मंदिर, क्लियर है चीज़ें। और अगर बात करें खजुराहो के बारे में, तो देखिए खजुराहो का जो मंदिर है इसका जो निर्माण करवाया था वो चंदेल राजाओं ने करवाया था, चंदेल शासकों के द्वारा, चंदेल राजाओं के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, और आपका इनमें फेमस था विद्या, जो कि विद्याधर के द्वारा जो आपका मंदिर का निर्माण करवाया था वो भी आपका बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका कौन सा वो है मंदिर वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष सरस्वती सम्मान दिया जाता है, यानी सरस्वती जो पुरस्कार दिया जाता है योग किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है सरस्वती सम्मान, तो ये आपका दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, जो कि उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, और यहाँ पर आपको इसको याद भी रखना है। अगले क्वेश्चन है आपका, चतुर्भुज मंदिर मुख्य देवता कौन है, और चतुर्भुज मंदिर है इसके मुख्य देवता है आपके भगवान विष्णु, कौन है भगवान विष्णु जो है इसके मुख्य देवता है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा। और वैसे अगर बात की जाए तो जो चतुर्भुज मंदिर है आपका आपका खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर है, और कहीं भी इसको देखने को ये मिल जाता है। निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, और ये जो भाषा है कौन सी है, हिंदी जो भाषा है इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से औषधि पौधे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश में जो धृत कुमारी नागर मोथा यानी नागर मोथा ये जो दोनों पौधे हैं दोनों पाए जाते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। उपरोक्त दोनों जो आपके पौधे हैं ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, औषधि पौधे ये हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने हाल ही में अपना वित्तीय वर्ष जनवरी दिसंबर में परिवर्तित कर लिया है,
देखिए ये जो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश राज्य था, और बट इसने जो है मध्य प्रदेश ने कुछ टाइम के लिए ही इसको लागू किया था जनवरी से दिसंबर, उसके बाद में वापस से जो कि अप्रैल से मार्च इसको कर दिया था। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ने किया था जनवरी से दिसंबर, बट कुछ टाइम के लिए किया था, वापस से इसने जो है जो पहले था वही कर दिया था। तो इसको आप याद रखिएगा, थोड़ा सा हिंट आप याद रखेंगे आपका काम चल जाएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है करंट का था और 2017 में पूछा गया था, बट अगर हो सकता है आगे अगर पूछे जाए तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं। भारतीय संविधान के 5वें अनुसूची के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा शामिल है, यानी भारतीय संविधान के जो 5वें अनुसूची है इसके अनुसार मध्य प्रदेश के जो यहाँ पे जिले दे रखे हैं इन जिलों में से कौन सा शामिल है। तो इन जिलों में से मंडला जो जिला है ये आपके भारत की जो संविधान की 5वीं अनुसूची है इसमें शामिल है, तो मंडला इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। और मंडला में आपका कान्हा किसली राष्ट्र उद्यान भी, इसलिए इसको भी आप याद रखिएगा। वो फेन जो अभ्यारण्य है ये आपका मंडला में ही है। क्लियर है चीज़ें। अनूपपुर से आपकी अमरकंटक आता है, अमरकंटक से नर्मदा, जोहिला और आपकी सोन नदी निकलती है। सागर में अगर हम बात करें तो देखिए सागर में आपका धुमेली जो उर्स का जो मेला लगता है वो सागर में लगता है, और हरि सिंह गौर जो आपका विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आपके सागर के अंतर्गत ही आती है। और आपका जो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी है उनका जन्म स्थान है आपका होशंगाबाद, तो ये आप याद रखिएगा। होशंगाबाद में आपकी एक न्यूज़ प्रिंट पेपर मिले क्या है, सॉरी न्यूज़ प्रिंट नहीं, करेंसी नोट पेपर मिले आपकी होशंगाबाद में, तो इसको भी सिक्योरिटी पेपर मिले आपके होशंगाबाद में, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है, और ये जो नदी है केन नदी है, पन्ना आपका जो राष्ट्र उद्यान है इससे केन नदी गुजरती है, तो केन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। मध्य प्रदेश के कौन से जगह पर जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है, देखिए जोगेश्वरी जो देवी का मेला लगता है वो चंदेरी के अंतर्गत आता है, चंदेरी में लगता है, और चंदेरी जो आती है वो अशोकनगर के अंतर्गत आती है। अशोकनगर जो जिला है इसको किससे, गुना जिले से अलग करके बनाया गया था अशोकनगर जिले को, और ये जो यहाँ पर चंदेरी जो आती है अशोकनगर के अंतर्गत आती है, ये आपको पता चले गए। और चंदेरी में आपका जो बहुत सारे यहाँ पर आपका किला देखने को मिल जाते हैं, और वहाँ का जो मुख्य किला है उसमें आपका सतकंडा महल और आपका खूनी दरवाजे यहाँ पर है, ये जो बार बार पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत मध्य प्रदेश के अलावा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से हीरा का उत्पादन कहाँ होता है, यानी अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के अलावा भारत के राज्यों में हीरे का उत्पादन किस राज्य में होता है मध्य प्रदेश के अलावा। तो देखिए मध्य प्रदेश के अलावा कोलसा भी ऐसा राज्य नहीं है भारत का जहाँ पर हीरे का उत्पादन होता हो, इकलौता मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर ओनली हीरे जो है पाए जाते हैं, यानी हीरो का उत्पादन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी मध्य प्रदेश में ही अकेले यहाँ पे हीरो का उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी इसका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने टॉप लेवल के जो क्वेश्चन है डिस्कस कर लिए। आयुब की ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।